देख रहे हैं सच दर्शन। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के द्वारका कोर्ट में कल हड़कंप मच गया जब लोगों को कोर्ट परिसर में 3 आतंकवादियों के घुसने की खबर मिली, जिसके बाद तुरंत मामले की जानकारी सभी सरकारी व गैर सरकारी सुरक्षा एजेंसियों को दी गई और देखते देखते द्वारका कोर्ट परिसर पुलिस की छावनी में तब्दील हो गया, जहां सभी सरकारी और गैर सरकारी सुरक्षा एजेंसियों के लोगों ने मुस्तैदी के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले ली और द्वारका कोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया। और सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों समेत मौके पर डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम, फायर कर्मी, कैट्स विभाग की एम्बुलेंस, बम निरोधक दस्ता, BSES की टीम, दिल्ली पुलिस के कमांडो की टीम, साउथ वेस्ट दिल्ली के सभी ACP, साउथ रेंज के जॉइंट CP, सिविल डिफेंस के लोग, ATS की टीम, स्पेशल स्टाफ की टीम और साउथ वेस्ट दिल्ली के DCP भी मौके पर पहुंच गए और लगभग 45 मिनट तक आतंकियों के साथ चली मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया जबकि 2 को जिंदा पकड़ लिया गया। हालांकि इस पूरी कार्यवाही के दौरान कोर्ट परिसर के लोग भी अचंभे और सहमे से नजर आए। कार्यवाही के बाद उन्हें पता चला कि ये मॉक ड्रिल था। ऐसे में राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी का माहौल है और पठानकोट में हुए आतंकी हमले से देश के सभी सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों ने सबक लिया है और ऐसी चूक कभी ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस समेत सरकारी और गैर सरकारी सुरक्षा विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी बात को परखने के लिए द्वारका कोर्ट में 3 आतंकियों के घुसने की खबर ने सभी को हिलाकर रख दिया और सूचना मिलते ही सभी विभागों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। हालांकि एक मॉक ड्रिल था लेकिन इसी से सभी विभागों को अपने आप को परखने का मौका और लगभग 45 मिनट की कार्यवाही में एक आतंकवादी को मार गिराया गया जबकि 2 को पकड़ लिया गया, जिसके बाद ये मॉक ड्रिल कामयाब रहा। जो मॉक ड्रिल थी हमने अपनी प्रिपेयरनेस चेक की है कि कोई भी ऐसी इवेंचुअलिटी आए द्वारका कोर्ट या कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन पे तो हमारा रिएक्शन टाइम क्या होता है और हम किन तरहों से तैयार हैं, हमारे डिफरेंट एजेंसीज कैसे रिएक्ट करती हैं और उसमें कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। तो आज की मॉक ड्रिल इसमें काफ़ी सक्सेसफुल रही है और हमारे जो भी जवान हैं, कमांडोज हैं, अच्छा हो किए हैं और जो भी हमारे में जो अभी कोऑर्डिनेशन हुआ है, दैट वाज परफेक्ट। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, सच दर्शन।